नमस्कार भाइयों, राम राम। आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो बहुत ही खास है। आज की जो वीडियो बात करेंगे हम डायरिया, दस्त। दस्त डायरिया जो कि आपके पशु को दस्त लग जाते हैं, या गाय भेड़ बकरी जो आप पशु पाल रहे हो उसको दस्त लग जाते हैं, उसको कैसे रोकें या किस कारण दस्त लग रहे हैं उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरी देखें, लगातार देखें, जिससे जो भी हम जानकारी आपको देंगे वो सटीक एकदम सही समझ में आए। देखो, डायरिया कई तरह के होते हैं और किस कारण लगते हैं वो कई प्रकार की कारण होते हैं जो लगने के, उसके बारे में जानकारी देंगे। क्या आप अपने एक पशु को खिलाएं एक या क्या ना खिलाएं, उससे कैसे बचें उसके बारे में जानकारी देंगे। मैं इस चीज़ के लिए समझ आता हूँ कि बहुत दिनों के कारण हमारे चैनल पर वीडियो आ रही है, जिससे कुछ घरेलू कारणों में वीडियो नहीं आ पा रही थी, पर वीडियो अब से जो हमारे चैनल पर वो वीडियो लगातार आएगी। तो आज जो मैं बात करूँगा वो डायरिया यानी पशु को दस्त लगना। दस्त के कारण पशु क्या होता है, बीमार हो जाता है, दूध वाला पशु दूध नहीं दे पाता है, या पशु कमजोर हो जाता है, उसमें एनर्जी कम हो जाती है, उसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है, सभी तरह प्रकार की कमियां आ जाती हैं। और अगर वो कमजोर हो जाता है उसको कैसे अपन बिल्कुल सही करें, और लगातार कौन सा इंजेक्शन यूज करें या कौन सी टेबलेट यूज करें उसके बारे में बताऊंगा। मैं जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा इंजेक्शन, वो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। आप इस इंजेक्शन को अपने डॉक्टर की देखरेख में या डॉक्टर से संपर्क करके इसकी जानकारी लेके आप इसको ला सकते हो और अपने पशु में यूज कर सकती हो, या जो मैं बोलस बताऊंगा उसका पशु में आप यूज कर सकती हो। जैसे मैं लियोफ्लॉक्सन, एक इंजेक्शन आता है लियोफ्लॉक्सन साल्ट का, जी आप स्क्रीन में देख रहे हो लियोफ्लॉक्सन, जी आप देख रहे हो लियोफ्लॉक्सन आता है। आप ये लियोफ्लॉक्सन इंजेक्शन का, साल्ट का इंजेक्शन आपके नज़दीक मेडिकल या नज़दीक जो आपके वेटनरी प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं उनसे लगवा सकते हो, या नज़दीक मेडिकल से आप स्टोर पर ले सकते हो। और जो टेबलेट की बात करूँगा वो मैं स्क्रीन में दी जा रही है सल्फाडिन। सल्फाडिन साल्ट स्क्रीन में दिया जा रहा है। इस सल्फाडिन साल्ट की बोलस आप ला सकते हो। अगर आपका बड़ा पशु है तो उसको दो बोलस, अभी मैं बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका बड़ा पशु है उसको दो बोलस, छोटा पशु है उसको एक बोलस यानी एक टेबलेट, और अगर बच्चा है छोटा 1 महीने का, 15 दिन का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, तो उसको आधी बोलस, एक में से आधी। एक डायरिया होता है खून के दस्त लगना। क्या है कि कीटाणु पेट में ज्यादा होते हैं या पटेरे पड़ जाते हैं, जिससे आपके पशु को, आपके गाय के या भैंस के बच्चे को खूनी दस्त लग जाते हैं। तो वह लगातार खूनी दस्त जाता है, जिससे उसकी बॉडी में एनर्जी की कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है, लेवल पानी का है वो घट जाता है, और आपका जो भैंस का बच्चा है वो बैठ पाता नहीं है, खड़ा नहीं हो पाता है। तो उस अगर होता है तो इसका इलाज, आप दस्त का इलाज जो है वो तत्काल ही करें। एक बदबू आना, आपका अगर पशु गोबर कर रहा है उसमें दस्त लगे तो उसमें से बदबू आती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो आपने चारा डाला है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, पच पाया नहीं है, और उसको दस्त हो चुके हैं। किस कारण हो चुके हैं दस्त, कि वो पच पाया नहीं है। पचाने के लिए क्या करना है, आपको रूमन एफ एस बोलस आती है वो खिलानी है, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ या मैं दोबारा बनाऊंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि डाइजेस्ट के लिए क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। पर हाल ही में जो मैं बता रहा हूँ वो डायरिया के ऊपर है। आप उसको बिल्कुल पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकती हो, दस्त से आपका पशु खत्म हो सकता है, यानी आपका पशु दूध देना बिल्कुल बंद, इसमें एनर्जी की कमी हो सकती है। तो डायरिया के लिए सल्फाडिन साल्ट की इंजेक्शन भी आता है, टेबलेट भी आती है, लियोफ्लॉक्सन साल्ट का इंजेक्शन आता है, आप ये इसको दे सकते हो और आप अपने पशु की दस्त को रोक सकते हो। ऐसी जानकारी बने रहने के लिए हमारे चैनल को धाकड़ बैठकर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान एवं डेयरी पशु लगे शेयर करें। और मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि एक और हमारा जो नया चैनल बन चुका है, जिसका चंबल डेयरी फार्मिंग के नाम से चैनल है, उस पर जैसे बाहर के किसान हैं अपने एमपी के, यूपी के, पंजाब हरियाणा, उसमें क्या हम मंडियों में जो भैंस बिचती हैं या पशुपालक जो नहीं ले पाता है वो सोचता है कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा कहीं,
तो उसके लिए वीडियो चालू कर रहे हैं, बाहर से सब जगह से वीडियो आएंगी, उसमें बताया जाएगा आप पशु कहाँ से खरीद सकते हो, कैसे खरीद सकते हो, कोई फोन नहीं हो सकता, आप उनसे संपर्क कर सकते हो या हमारे जरिए ले सकते हो आप। तो उसके लिए धाकड़ डेयरी फार्मिंग, वो चंबल डेयरी, सॉरी चंबल डेयरी फार्मिंग चैनल है, वो आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो आप इसको देखें और धीरे धीरे इस पर वीडियो होती जाएंगी आपकी, और सहयोग बनेगा तो इस चैनल को हाई से हाई ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में आपके घर तक भैंस या गाय जो भी वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।